हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बना रहे हैं होली के मौके पे हिस्से। तो इसको बोलते हैं हिस्से। तो ये चावल से बनता है, तो चलो फिर बनाना शुरू करते हैं। तो फिर इसे बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो मैंने ये अपने यूपी में बुआ जी के घर खाए थे, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो फिर इसी होली के मौके पे मेरी बुआ की बेटी आई है, तो मैं उनसे सीख रही हूँ। तो आज साथ में आप भी सीखिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 किलो चावल लिया है, जो मोटा वाला चावल होता है ना, नॉर्मल वो वाला। तो पूरी रात के लिए हमने इसको भिगोया था। तो ये बहुत पारंपरिक तरीका होता है, इसको होली पे जरूर बनाया जाता है यूपी में। तो फिर इसको मैं छान लूंगी। तो फिर सबसे पहले इसको छान लेते हैं। तो बना के मेरी दीदी दिखाएंगी आपको। इसका पानी पूरा निचोड़ लिया जाता है, उसके बाद इसको हल्का सा धूप में सुखाना पड़ता है। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत है, लेकिन टेस्टी बहुत बनते हैं ये। तो अभी ये चावल जो हमने भिगोए थे, इसको हम ले आए हैं छत पे सुखाने के लिए। हल्का सा इसको धूप लगाना है, बिल्कुल ही इसको ड्राई होने तक सुखाना है। तो आप देख सकते हो दीदी, हमारी धूप में इसको सुखा रही हैं। सुखाए के पीस के मिक्सी में पाउडर बनाना है बारीक करके। हाँ, सुखाने के बाद हल्का सा। हाँ, कितने घंटे सुखाना है? थोड़ा फरारी आ जाए, अच्छा हल्का सा सूखापन आ जाए इसमें। हाँ, ड्राई हो जाए। ठीक है, पानी सूख जाएगा। ठीक है, सो ये आटा लगा के रख देंगे। हाँ, वो तो आटा लगाएंगे जब दिखा देना। फरारी आ जाएंगे, सुई सब छूट जाएंगे। एक आधे घंटे में ही हो जाएंगे। तो फिर अभी जरा सी धूप आने वाली है। फिर अभी 1 घंटे बाद मिलते हैं। तो फिर आप देख सकते हो ये बिल्कुल ही हल्का सा ड्राई हो गया है। तो बहुत ज्यादा नहीं सुखाना, चावल जो है हमारे हल्के गीले गीले हैं, पानी बिल्कुल नहीं है। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्सी की जार में पीस लेंगे, बारीक करके पाउडर बना लेंगे इसका। तो फिर इस तरीके से हम इसका बिल्कुल ही बारीक आटा बनाना है हमें। तो फिर अभी इसको हम चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो इसका आटा बहुत बढ़िया से बन गया है। अभी इसको हमें छानना है। तो आप देख सकते हो जो चावल थे उसका हमने बिल्कुल ही बारीक आटा इसका पीस लिया है, और बहुत बारीक वाली छन्नी से हमने इसे छान लिया है। तो आटे को हम रख देंगे एक साइड। अब इसकी करेंगे तैयारी। तो दीदी, अब बूरा ले लिया हमने। 1 किलो चावल थे, 1 किलो बूरा लेना है। ठीक है, तो बूरे को भी दीदी कह रही है छान लो। तो बूरा भी हम छान लेंगे। अब जो एक तरफ जो था बूरा, हमने बूरे को भी छान के ले लिया है। तो इसी बूरे के साथ ही हम चावल का आटा मिक्स कर देते हैं। तो 1 किलो हमारा चावल का आटा है प्रॉपर, जो हमने भिगोए थे चावल, और 1 किलो ही हमें बूरा लेना है। तो ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और क्या डालना है दीदी इसमें? घी। घी तो कितना होगा घी? ये 100 ग्राम, 100 ग्राम मान ले, 100 ग्राम अंदाजा ये घी डाल रहे हैं हम इसमें, देसी घी। तो बढ़िया से इसको हमने मिक्स करना है, पूरे आटे को बूरे को बढ़िया से मिक्स कर देना है। तो घी अच्छे से ये मिक्स हो गया है। तो इसी के साथ हमने ये डाल देनी है किशमिश, और ये मैंने किया है गोला कद्दूकस बारीक वाला। तो सारा डाल दें दीदी ये गोला? हैं, सारा डल जाएगा? ठीक है। तो ये करीब गोला भी हमारा 100 ग्राम का था, उसको बारीक करके कद्दूकस कर लिया है। तो अभी एक चीज और डालेंगे, ये क्या है? चिरौंजी। अच्छा, तो इसमें हम डाल देंगे चिरौंजी। तो ये थोड़ी सी चिरौंजी है, 6 से 7 चम्मच। तो ये सारी चीजें हमने इसमें डाल ली है। तो परात मेरी थोड़ी सी छोटी लग रही है, इसको थोड़ा सा आधा आधा कर लेंगे। तो थोड़ा सा हम इसमें शिफ्ट कर लेते हैं, परात हमारी थोड़ी छोटी पड़ रही है। तो दीदी कह रही है बीच में थोड़ा सा गड्ढा कर लो। हाँ,
तो ये थोड़ा सा मैं इसमें दूध डाल ले रही हूँ। सारा डाल दो एक कटोरी ना, थोड़ा 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 मिक्स कर। अच्छा, मिक्स करना, टाइट गूंदना है क्या इसको? नरम नरम खाने वाली रोटी बनाते हैं आटा, आटा जैसे गूंदते हैं। अच्छा, तो आप देख सकते हो बिल्कुल ही थोड़ा सा हमने इसमें दूध डाला था, उसी दूध से ये पूरा हो गया है सॉफ्ट। तो इसमें बूरा जो होता है, एक चमचा दूध पाऊंगी ना, तो ज्यादा नहीं, एक से डेढ़ करछी दूध जो हमने इसमें डाला था, और उसी से ये बिल्कुल प्रॉपर सेट हो गया है। तो ये थोड़ी देर हम इसको दो से शाम को बनाए 4 से 5 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ये हल्का सा टाइट हो जाएगा, चावल का आटा जो है वो फूल जाएगा। तो इसको हम अभी ढक के रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए। तो उसके बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हैस से बनते हैं। तो इसका जो ढो है बहुत बढ़िया से सेट हो गया है। तो ऊपर से दीदी बोलती हैं कि थोड़ा सा घी लगा दो, ताकि जो चावल का आटा जो है ऊपर से, नहीं तो हवा लगेगी तो ये हल्का सा हार्ड हो जाएगा, नहीं तो घी लगाएंगे तो ये सॉफ्ट ही रहेगा। तो ऊपर से देसी घी लगा के रखना है काफी सारा, और इसको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से ढकना है ताकि इसमें हवा ना लगे, नहीं तो ऊपर से पपड़ी आ जाएगी इसमें। तो फिर इसको ढक देते हैं हम, तो करीब हम इसको 5 घंटे के लिए ऐसे ही रख देंगे। तो फिर हम हिस्से जो हमें बनाने हैं उसके लिए हमने ढो बना के रखा था, तो उसको अभी हम चेक कर लेते हैं। तो 5 घंटे इसको हो गए हैं पूरे। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ये इलायची के दाने कूटे हुए, तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इलायची के दाने मैंने डाले हैं, तो इसको इलायची डाल के बढ़िया से सेट कर लेंगे, इस तरीके से मिक्स कर लेंगे सारी इलायची। दीदी फिर ऐसे सेट हो गए, ये इलायची मिक्स हो गई है, अब क्या करना है? ऊपर से घी लगा दिए ना, हल्का सा घी, हल्का, ठीक है, हल्का सा फिर से घी लगा देते हैं। तो एक तरफ हमने ऑयल भी गरम करना है ना, तेल गरम करना है, तेल गरम करो। तो एक तरफ देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे गरम ऑयल गरम करने रख दिया है, रिफाइंड ऑयल है ये। यहाँ पे आओ, बड़े बड़े बनाओ, हाँ थोड़े मीडियम साइज के, हाँ इतने ही सही है, मत करो छोटे। तो आप थोड़ा सा तेल लगा रहे हो हाथ पे, घी लगा के फिर हल्का सा छोटे छोटे पेड़े। अच्छा, तो अभी तेल अभी गरम, शायद देख लेते हैं कितना हुआ है, थोड़ा सा डाल के देख लो। एक एक लगाते हैं, एक एक डालते हैं। तो एक तरफ से ही सेकते हैं कैसे? एक ही लग सकता, नरम नरम एक तरफ से निकाल, जल्दी जल जाएगा। अच्छा, जल्दी जल्दी निकालने पड़ते हैं, ऊपर आ जाए तो निकाल ले, छन्नी में है। जैसे ऊपर आ जाए वैसे ही निकालने हैं, एक तरफ से सेकने, एक तरफ से जैसे ऊपर आए वैसे ही निकालना है। तो आप देख सकते हो ये अपने आप ही खुद पे खुद आ जाता है, तो ये मैंने निकाल लिया है। तो इसको एक छन्नी में ही रखना है हमेशा, सीधे सीधे रखे। ये ऊपर आने का मतलब ये पक जाते हैं हल्का। अच्छा, तो इसको एक छाननी में रखा है मैंने, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकलता जाएगा। तो आप देख सकते हो जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकलता जाएगा। इसको एक जाली में रखना है जब भी हम बनाएंगे। तो इस तरीके से ही हम फटाफट इसको बनाते जाएंगे, बहुत ही सावधानी से ये बनते हैं, बनना ये फट जाते हैं। देखो, तो फिर ये जो हम होली पे वाली मिठाई बनाते हैं, तो इस पे अगर जरा सा भी हंस देंगे या शोर मचाएंगे तो ये फट जाते हैं। ये बहुत ही पारंपरिक तरीके से बनता है, तो आप देख सकते हो। तो जो हमारे चावल के ऐसे थे होली के मौके पे जो हमने बनाए थे, बिल्कुल रेडी हैं फ्रेंड्स बनके, तो आप देख सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, नई न्यू रेसिपी है मेरी, तो
वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब करें, तो साथ में बेल आइकन को भी, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। फ्रेंड्स, तो मिलते हैं किसी अगले नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैप्पी होली।